कंक्रीट मिक्सर ब्रिक हाउस। एक गांव में सदानंद नाम का एक मेस्त्री हुआ करता था। वो बहुत अच्छा आदमी था। वो हरदम अच्छे क्वालिटी के रेत, ईंट और लोहे का इस्तेमाल करके लोगों के घरों का निर्माण करता था। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम था। उसके पास एक कंक्रीट मशीन भी था। उस मशीन के मदद से कंक्रीट मिलाकर वो घर बनवाता था। कम मुनाफा लेकर सबको घर बनाकर देता था। उन कम पैसों से ही पत्नी स्वप्ना बेटा बन्नी का पोषण करता था। बन्नी उसके पिता के काम करने वाले साइट को आकर उसके पिता के बनाए जैसे ही वो भी ईंटों से घर बनाता था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक मेस्त्री भी था, मगर वो सदानंद के जैसे अच्छे क्वालिटी के सामग्रियों का उपयोग करे बिना बहुत घटिया क्वालिटी के सीमेंट, ईंट, रेत और लोहे का इस्तेमाल करके घर बनवाता था। वो घर जल्द नाश होते थे, इस वजह से वहाँ के लोग उसे घर नहीं बनवाते थे। सब सदानंद को ही घर बनाने का काम देते थे। ये देखकर मुन्ना को सदानंद पर बहुत गुस्सा आता था। वो उससे बहुत जलता था। ये सदानंद कहीं का जब तक रहेगा तब तक मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। मेरे जैसे सस्ती क्वालिटी के सामग्री का उपयोग करने के लिए बोले तो वो सुनता भी नहीं है। कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाना होगा। यूँ सोचा। एक बार मुन्ना कॉन्ट्रैक्ट का काम पूछने के लिए एक साइंटिस्ट के पास जाता है। तब वो साइंटिस्ट एक प्रयोग करते रहता है। साइंटिस्ट के हाथ में गन जैसा एक मशीन था। वो उस मशीन को एक रोबोट पे निशाना लगाता है। उसके ऊपर गन पॉइंट करके ट्रिगर को दबाता है। उस गन से रेस आते हैं। वो रेस उस रोबोट पे पड़ते ही वो रोबोट झट से छोटा हो जाता है। सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। कई सालों से कर रहा प्रयोग अब सक्सेस हुआ है। अब इस गन की मदद से मैं किसी को भी छोटा बना सकता हूँ, कहकर जोर से पुकारता है। मुन्ना यह सब दूर से देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। किसी भी तरह उस गन को चुराकर उसे सदानंद के कंक्रीट मिक्सर पे इस्तेमाल करके छोटा किए तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, कहकर सोचता है। वो साइंटिस्ट उस श्रिंकिंग गन को वहाँ रखकर बाहर जाता है। मुन्ना यही सही मौका है सोचकर उस श्रिंकिंग गन को चुरा लेता है। उस गन को चुरा कर सदानंद के कंक्रीट मिक्सर के पास जाता है। उस श्रिंकिंग गन से सदानंद के कंक्रीट मिक्सिंग मशीन पे निशाना लगाता है। ट्रिगर को दबाते ही गन के अंदर से रेज निकलकर उस मशीन पर गिरते हैं। वो कंक्रीट मिक्सर छोटा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सदानंद वहाँ पर आता है। अपने कंक्रीट मिक्सर को छोटा बना देख वो बहुत दुखी होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये कंक्रीट मिक्सर मेरा जीवन आधार है, अब ये भी छोटा हो गया है। नया कंक्रीट मिक्सर खरीदने जितने पैसे भी मेरे पास नहीं है, कहकर दुखी होता है। घर में पत्नी और बच्चों को ये बात बताता है। आप दुखी ना हो, ये जरूर अपने किसी दुश्मन का ही काम है। अपने घर चलाने के बारे में ज्यादा सोचिए मत, मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। बन्नी अपने माता पिता को देखकर बहुत दुखी होता है। बन्नी अपने छोटे कंक्रीट मिक्सर को लेकर खेलता है। तभी वहां पर एक लिलीपुट आता है। हेलो छोटू, हेलो, कहकर पुकारता है। बन्नी उस लिलीपुट को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे वाह, आप लिलीपुट्स है ना? मैं आए दिन आपको यूट्यूब में देखकर आप सच में नहीं रहते हैं कहकर सोचा था, मगर आप तो सच में है, कहकर खुश होता है। बेटा बन्नी, मेरा नाम मिम्बा है। मैं हमारे लिलीपुट राज्य का मेस्त्री हूँ। हमारे पास आपके जैसे ईंट सीमेंट नहीं रहते। हमारे राज्य में मिलने वाले मिट्टी से ही हम घर बनाते हैं, मगर जब भी बाढ़ आती है तब हमारे घर नाश हो जाते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहा हूँ। तुमसे मदद पूछने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, मगर मारे डर के रुक गया। कल तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर के साथ जो भी हुआ वो देखकर हिम्मत करके आया हूँ। तुम मुझे इस कंक्रीट मिक्सर की मदद से घर बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना सोना दूंगा। उसके साथ साथ जिसने आपके मिक्सर का ये हाल किया है उसे मैं सबक सिखाऊंगा। बन्नी उसकी बात मान जाता है। बन्नी मिम्बा के राज्य को जाकर उस मिनी कंक्रीट मिक्सर की मदद से ईंट और सीमेंट से उनके लिए मजबूत घरे बनाकर देता है। उसके बदले मिम्बा बन्नी को बहुत सारा सोना देता है। आपका ये हाल करने वाला आपका दुश्मन मुन्ना ही है। वो एक गन को एक साइंटिस्ट के पास से चुरा कर आपके कंक्रीट मिक्सर को ऐसे छोटा कर दिया। बन्नी
उस सोने को लेकर अपने माता पिता को दिखाया। वो दोनों बहुत खुश हुए, उससे एक अच्छा घर और कार खरीदे। एक बार मिम्बा मुन्ना को सोता देख उस श्रिंकिंग गन को चुरा लेता है। बाद में मिम्बा उस श्रिंकिंग गन से मुन्ना पे निशाना लगाकर ट्रिगर दबाता है, बस मुन्ना भी छोटा हो जाता है। मिम्बा अपने दोस्तों की मदद से मुन्ना को अपने राज्य को ले जाकर उसे सजा देने लगता है। बाद में वो श्रिंकिंग गन को ले जाकर उस साइंटिस्ट को दे देता है।